जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति ने देश को अरुण जेटली, अजय माकन जैसे बड़े नेता दिए, नूपुर शर्मा अलका लांबा के करियर को टर्न दिया, उस जीयू में छात्र संघ चुनाव की पिक्चर ऑफ द डे आज ये थी। नॉर्थ कैंपस के लॉ सेंटर 2 में एनएसयूआई उम्मीदवार लोकेश चौधरी ने चुनाव ड्यूटी में लगे प्रोफेसर का हाथ मरोड़ दिया, धक्का भी दिया। एनएसयूआई कल से आरोप लगा रही थी कि कई प्रोफेसर एबीवीपी को जिताने में लगे हुए हैं। एबीवीपी का कहना है कि मारपीट एनएसयूआई वालों की बूथ कैप्चरिंग ना कर पाने की बौखलाहट है। दावा किया कि पिछली बार 3 पोस्ट पर जीते थे, इस बार चारों जीतेंगे। तो एबीवीपी के चारों कार्यकर्ता जो हमारे चारों सेंट्रल पैनल के कैंडिडेट हैं, उनके फेवर में स्टूडेंट का एक बहुत ही अच्छा रुझान आ रहा है और उस रुझान के आधार पर इस बार एबीवीपी एनएसयूआई को चारों पद पर पराजित करते हुए एबीवीपी एक नई कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में। डीयू में पूरे उत्साह से वोट पड़े, लेकिन इतना ही चुनावी उत्साह हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने में भी दिखा। रईसी के प्रदर्शन में दोनों स्टूडेंट ग्रुप ने रेस लगाई। अभी आपको केवल और केवल जो प्रचार की पर्चियां हैं वो नजर आएंगी, कैंपस की जो पूरी सड़कें हैं वो फिर से इन पर्चियों से पटी आपको नजर आएंगी। कॉलेज के बाहर जितने पर्चे उड़ाए गए वो तो कचरा बीनने वालों ने समेट लिए, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को पोछा लगवाना है, वो भी इन्हीं छात्र नेताओं से, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि ये दिल्ली को पहले जैसा क्लीन करके देंगे, उसी के बाद वो काउंटिंग होने देगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.